कोटा जेई मेंस ने तीसरे सेशन के परिणाम जारी किए, जिसमें न्यूक्लियस क्लासरूम छात्राओं ने 100% हासिल किया। न्यूक्लियस के डायरेक्टर अमरनाथ आनंद ने बताया कि क्लासरूम विद्यार्थी आयुष अग्रवाल, मोदित गुप्ता ने फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स में, भावेश गुरमानी ने मैथ्स में तथा हर्ष पुनिया ने फिजिक्स में 100% मार्क्स हासिल किए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया और साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सर, ऑफलाइन कोचिंग होने के बाद भी कोचिंग संस्थान का इस तरीके का इतना अच्छा रिजल्ट रहा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चा जो है अगर टीचर की बात को मानते हुए आगे बढ़ता रहता है तो कहीं ना कहीं उसको वो मंजिल मिली जाती है जो उसको वो डिजर्व करता है। तो हालांकि काफ़ी लंबा समय जो है कोविड से ग्रस्त रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने के बाद भी कुछ समय तक हो सकता है वो थोड़ी बहुत कम एनर्जी से पढ़ रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी एनर्जी से पढ़ाई करी है और ये उसी का रिजल्ट है। और जो भी टीम मेंबर्स न्यूक्लियस में काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन लोगों ने भी इतनी मजबूती से बच्चों के साथ काम किया है जिसकी वजह से ये रिजल्ट पहुँचा है। अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का जो इस साल का रिजल्ट है थर्ड अटैम्प्ट का, वो काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया रहा है। उसमें बहुत सारे बच्चों ने 100% अर्जित करी है, जिसमें कुछ बच्चों ने मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 100% अर्जित करी है और बहुत सारे बच्चों का स्कोर जो है 99% से ऊपर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगला जो जी एडवांस होगा उसमें बच्चे हमें और ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट ला के देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस हर एक बच्चे के साथ अपने लास्ट तक बहुत मजबूती से खड़ा है। नाम बताए। अमरनाथ आनंद, डायरेक्टर न्यूक्लियस।